आज खाने में बना है कड़ी। Hey guys, welcome back to the another vlog। और आज मैंने कॉलेज की छुट्टी कर रखी है, तो क्योंकि कल ना एक टेस्ट है, तो आज मैं बैठ के उसकी पूरी अच्छे से प्रिपरेशन कर लूँगी, पूरा याद कर लूँगी, ऐसा कोशिश करेंगे याद करने की। और अभी दीदी गई हैं ब्रेकफास्ट लेने के लिए, तो वो गई थी तो उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए भी ले आएंगी, तो अभी देखते हैं, शायद पोहा बनाया आज ब्रेकफास्ट में। तो फ्रेंड्स, अभी ना 11 बज गए हैं और छत खुली नहीं थी, तो मैं भैया जी से नीचे से चाबी लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने कपड़े धोए थे तो उनको भी सुखाना पड़ेगा। चलते हैं ऊपर। सारे कपड़े फैला दिए हैं और कितनी तेज धूप हो रही है, तो ऊपर खड़े होने का मन नहीं हो रहा है। चलते हैं नीचे जल्दी से। अभी दोपहर हो चुकी है और देखिए कितनी कड़क धूप है, लेकिन तब भी हल्की हल्की हवा चल रही है। और ये देखिए पेड़, ये आंवले का पेड़ लगा हुआ है इधर। फ्रेंड्स, अभी लंच का टाइम हो गया है, तो मैं नीचे मेस में आ गई हूँ, देखते हैं आज लंच में क्या बना है। तो आज काली वाली दाल बनी है, रोटी, चावल और ये लौकी। अभी मुझे थोड़ा सा सामान लेना था बाहर से, तो मैं ये देखिए मैं आयुषी के साथ गई थी, तो अभी ले लिया हमने सामान, टॉफ़ी वगैरह लेनी थी, तो अभी चलते हैं वापस। सो फ्रेंड्स, अभी मुझे ऊपर से कपड़े उतार के लाना है जो मैं सुबह फैला के आई थी, तो होपफुली अभी तक वो सूख गए होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हॉस्टल की लाइफ, मेरी हॉस्टल की लाइफ काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, कुछ इतना कंटेंट मिलता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। वही सारे काम रहते हैं, मतलब कि कपड़े धोना, खाना खाना, प्लेट धोना, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा होता ही नहीं है। चलते हैं कपड़े ले आते हैं। मतलब कि 5:30 बज गए हैं, तो 5:30 बजे चाय मिलती है, लेकिन मेरा आज चाय पीने का मन नहीं है, आज मैं खाऊंगी चॉकलेट। जब मैं गई थी ना अभी, तो मैं चॉकलेट लेके आई थी, और जो एप्पल मैं लेके आई थी वो भी ख़राब हो जाएंगे, तो इनको भी खा लेते हैं। जिन लोगों को लगता है कि ये अकेले बाहर रह रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता होगा, तो ये जो पीजी है, मतलब ये हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल टाइप का एक पीजी है, तो यहाँ पे आपको सारी मतलब फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, आप कभी भी बाहर जा सकते हो, आ सकते हो, तो पूरा मतलब आप कभी भी कहीं पे भी जा सकते हो। तो सबको ऐसा लगता है कि बहुत घूमो फिरो, बहुत आज़ादी है आपको, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, फैमिली से दूर रहो ना तो कहीं पे भी अच्छा नहीं लगता है, मुझसे पूछो, मैं यहाँ अकेली हूँ, और रूम में भी कभी कभी मैं अकेली हो जाती हूँ एकदम, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर मुझे मम्मी की बहुत याद आती है, तो क्या कर सकते हैं, 4 साल अभी यहीं पर ही रहना है। फ्रेंड्स, बहुत छोटी चॉकलेट है, घर पर मैं अपने भाई से कहती हूँ तो वो कोई सी भी ले आता है चॉकलेट, यहाँ पे मैं यही वाली ले आई, मुझे यही पता थी। फ्रेंड्स, अभी मैं नीचे आई और ये देखिए भैया जी रोटी बना रहे हैं, तो भैया जी बहुत बढ़िया रोटी बनाते हैं, सारी रोटियाँ फूल जाती हैं। खाने में बना है कड़ी, और ये है आलू की सब्जी, चावल, और यहाँ पे रोटियाँ बन रही हैं। देखिए इधर सारा खाना लगा है और मैंने अपना खाना परस लिया है। तो आज डिनर ना बहुत अच्छा बना है, कड़ी बनी है, आलू बने हैं, रोटी और चावल, तो
तो आज अच्छा लग रहा है डिनर, और ये दरवाज़ा फिर से खुला है, कहीं फिर से ना आ जाए चमगादड़। मतलब पहले जब आया था आपने ब्लॉग देखा होगा, ना देखा हो तो तुरंत देख लीजिएगा, तो यहीं से आया था। मैं और दीदी इधर मतलब फ़ोन चला रहे थे अपना, और मैंने एकदम से नोटिस करा कि ये क्या आ गया, तो यहीं से आया था चमगादड़ और इधर से ही चला गया था। तो ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा था, तो उसकी ज़्यादा वीडियो बन भी नहीं पाई थी क्योंकि वो गोल गोल घूम रहा था। हमें समझ नहीं आया था कि कैसे वीडियो बनाऊं कि वो पूरा आ जाए, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत तो आ ही गया था। तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हैं तो बहुत बढ़िया आज डिनर।